टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स, मैं हूँ मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर है वेक्टर, एक्सरसाइज है 10.4 और क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि लेट द वेक्टर ए बी सी गिवन एज ए वन आई ए टू जे ए थ्री के बी वन आई बी टू थ्री ये है, देन शो दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है ये, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। बड़ा आसान है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख ले कि लेट गिवन क्या है, गिवन वेक्टर ये बराबर है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी बराबर है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, और सी बराबर है सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के, है ना। ये एल एच एस हम लोगों को क्या दिखाना है, एल एच एस में एल एच एस ले लेते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम किया करते हैं। तो ब्रैकेट में है बी प्लस सी, मतलब बी और सी को जोड़ना है, है ना। तो जोड़ेंगे तो आई को आई के साथ, तो ये हो जाएगा बी वन प्लस सी वन आई, जे को जे के साथ तो बी टू प्लस सी टू जे, और बी थ्री प्लस सी थ्री के, है ना। ये बी प्लस सी का अब हम लोग ये फाइनली लेते हैं। फाइनली क्या है, फाइनली क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी, यही ना फाइनली। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनांट यूज करते हैं, डिटर्मिनांट लिख देते हैं, है ना। और यहाँ लिख देते हैं आई, यहाँ लिख देते हैं जे, यहाँ लिख देते हैं के। ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है, तो ए वन बी ए टू ए थ्री, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ए वन ए टू ए थ्री, और बी प्लस सी के लिए लिख देंगे बी वन प्लस सी वन, हाँ, फिर बी टू प्लस सी टू, फिर बी थ्री प्लस सी थ्री, ऐसे लिख दिए, है ना। अब हम लोग लिख दिए ए क्रॉस बी प्लस सी। तो हम लोग डिटर्मिनांट जब पढ़े थे तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि यदि यहाँ दो टर्म है तो इसको दो बराबर भाग में, दो भाग में बांट सकते हैं। यदि यहाँ तीन टर्म आपस में जुड़ा हुआ हो तो तीन भाग में बांट सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे कैसे बांट सकते हैं, आई जे के, है ना। और ए वन ए टू ए थ्री ऊपर से है और इसमें पहला पहला टर्म ले लेंगे, ये हो जाएगा बी वन बी टू पहला टर्म, इसका पहला टर्म बी थ्री, एक टर्म ये हो गया। फिर ये वैसा ही रहेगा आई जे के, पहला टर्म जैसे तैसे रहेगा ए वन ए टू ए थ्री। अब की बार सेकेंड सेकेंड टर्म को लेंगे तो सी वन सी टू सी थ्री। और हम लोग ये कहाँ पढ़े थे, जब डिटर्मिनांट आपको पढ़ा रहे थे, तो यहाँ लिख देते हैं कैसे ये लिखे हम लोग, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इसको लिखे कि यहाँ दो, यदि दो टर्म है प्लस में तो दो अलग अलग डिटर्मिनांट बना सकते हैं, तीन टर्म होता तीन अलग अलग बना सकते थे। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड, तो नाउ आर एच एस, आर एच एस क्या है सो बताएंगे, है ए क्रॉस बी प्लस प्लस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी का हम लोग पहले निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे ए क्रॉस बी का, फिर निकालेंगे ए क्रॉस सी का, और दोनों को जोड़ देंगे और इतना के बराबर आ जाए, एल एच एस के बराबर आ जाए, इतना के बराबर आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं ए क्रॉस बी। पहले क्या देखते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए का पहले तो यहाँ डिटर्मिनांट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई जे के, और
ए का हो गया ए वन ए टू ए थ्री, और बी का हो जाएगा, बी का वैल्यू है बी वन बी टू बी थ्री, है ना, ए क्रॉस बी का। हम लोग यहीं छोड़ देते हैं इसको, फिर हमको ज़रूरत पड़ेगा ए क्रॉस सी का, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी में हाँ लिख देंगे आई जे के, हाँ, और ए का वैल्यू हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, और सी बराबर हो जाएगा सी वन सी टू सी थ्री। अब हम लोग फाइनली लिखते हैं क्या है आर एच एस, ए क्रॉस बी जोड़ ए क्रॉस सी, हाँ। अब ए क्रॉस बी का वैल्यू हम निकाल के पहले से रखे हैं, ए क्रॉस बी का वैल्यू ये है, देखिए यहाँ से है ना, ए क्रॉस बी का आई जे के, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री प्लस आई जे के। ए क्रॉस सी का है ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री। अब इसमें से क्या है कि ये दोनों देखेंगे दोनों बराबर आया क्या, ये देखिए ए क्रॉस बी का वैल्यू, ये एल एच एस का वैल्यू है ना, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री बी सी वन सी टू सी थ्री, वही है एकदम सेम आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि हेंस एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, जितना वैल्यू आया था एल एच एस का उतना ही वैल्यू क्या आ गया आर एच एस का, तो प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे।